सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल बोल आर्क टू वो डाइगे एक और नए एपिसोड में। और गाइज अभी देखना, ये मैं पिछले आधे घंटे से खाना खा रहा था और इधर उधर कर रहा था ना, तब से ये बंदा अपना ड्रैगन ना शॉप मारने के लिए यहाँ पे मेरे घर के बाहर लेके आया है। अभी मेरे को लगा कोई नॉर्मल ड्रैगन है, लेकिन जब मैं बाहर निकला तब मैंने देखा कि ये है विकेड अल्टीमा ड्रैगन। मजाक हो रहा है का, इसका खोपड़ी ट्राइक का जो हेड होता है ना उसकी तरह है। और भाई हाँ सच में भाई, ट्राइक की खोपड़ी जो ना गई जो इस ड्रैगन को लगाई गई है, स्टेगो की पूछ जो होती है वो इस भाई ड्रैगन की पूछ पे लगाई गई है, और एंकलो का आर्मर ऊपर का इसके पीठ पे लगाया गया है। और ये है अल्टीमा ड्रैगन जो कि राज टेम के आया का टेम करके लाया है, और यहाँ पे हमारे घर के सामने इसे शोअप के लिए छोड़ के चला गया है। हाँ ठीक है भाई, ये बात है, ऐसा है क्या। उप्स, अरे यार तो बैठा हुआ था इसके ऊपर। अच्छा बैठ के एफ के गया था क्या? अच्छा रुक जाओ, इसको बता भी नहीं चलेगा कि ये अल्टीमा ड्रैगन ना ही अपने पास आ चुका है। ठीक है चलो 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 भग जाते चलो इंटर मार लेता हूँ। तो गाइस क्या हाल चाल, स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल डू ऑर डाई के एक और एपिसोड में। और गाइस डू ऑर डाई के पिछले एपिसोड में हमने सारी की सारी जो एरोज है फाइनली यहाँ पे इकट्ठा कर ली थी, और अभी हम जाके ना रिजरेक्टेड डायनो को टेम करने वाले। बट मैं सोच रहा हूँ कि जो अल्टीमा ड्रैगन है ना, एक बार मैं भी टेम कर लूँ। अगर मैप पे भाई हमको मिलेगा ना तो मैं इस अल्टीमा ड्रैगन को जो ना कहीं जरूर से टेम करना चाहूँगा। बाकी अगर मैप पे स्पॉन नहीं हुआ होगा तो हम जाके रिजरेक्टेड वाले डायनोस को यहाँ पे टेम करेंगे। बट गाइस आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाक से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको हमारे प्यारे प्यारे से जो ना कहीं गेमिंग विद्यार्थी के चैनल का और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, तो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी ये बंदा ऑनलाइन आ चुका है गाइस, देख रहे हो। और गाइस यहाँ पे जो ना गाइस हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक हो चुका है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे गाइस आपको एक थैंक्स का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल को जो ना गाइस सपोर्ट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस, जिनको भी थैंक्स का बटन दिख नहीं रहा होगा तो गाइस आपका यूट्यूब का आईडी जरूर चेंज कर लेना, क्योंकि गाइस कुछ जो आईडीज है ना गाइस यूट्यूब पे उन पे अभी तक ऑप्शन आया नहीं है। और गाइस अगर फिर भी स्टिल नहीं आता है तो गाइस लाइक शेयर और जो डिसलाइक का बार है उसको राइट साइड में स्वाइप कर देना, वहाँ पे थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करते आज के एपिसोड की शुरुआत बिना किसी देरी के और मचा डालते फुल टू द भाई। बाकी ये राज क्या बोल रहा है भाई, मैं देख लेता हूँ सुन लेता हूँ भाई, ठीक है। अरे राजी आ गया तो बात है, ये कौन है, राजी है ना इसका नाम, पता नहीं गाइस इसका नाम है इसका। हाँ राज गेमिंग है भाई, ट्राइब ऑफ राज भाई, ठीक है। और राज ब्रो क्या हुआ, क्या हुआ, इसे क्यों बैठे हो यहाँ पे ब्रो? अरे देख दे रिप्लाई देता है कि देख दे, तब तक मैं जाके अल्टीमा ड्रैगन टेम करके लाता भाई, ठीक है। ये पटाख से अल्टीमा ड्रैगन जो ना कहीं तू टेम करके लाता, अगर होगा तो भाई ठीक है, नहीं होगा तो रिजरेक्टेड ही अपन टेम करेंगे भाई, ठीक है। अरे ड्रैगन तो अरे कॉमेड यार, हट बे, तो अंडरग्राउंड है ना भाई। विकेट अल्टीमा ड्रैगन बहुत सारे स्पॉन हो चुके हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा भाई, बड़े सारे के सारे ना अंडरग्राउंड है गाइस, सारे के सारे अंडरग्राउंड है। ये जमीन के अंदर पता नहीं कैसे वहाँ पे वो बॉस जो है ना स्पॉन हो जाते हैं, और भाई साहब जो है ना गाइस बॉस फाइट करने लग जाते हैं। ये पता नहीं कैसे इनको लोकेशन कहाँ से मिलती है भाई। चलो गाइस इसका जो ना गाइस ड्रैगन में इसको वापस दे देता हूँ, ठीक है। बाकी जो अल्टीमा ड्रैगन है ना गाइस, वो अगर हमको कभी मिला ना तो ज़रूर से हम उसको टेम करना चाहेंगे भाई, ठीक है। अरे राजी क्या हुआ, अरे इधर आओ राज, अरे इधर आओ ना रे बाबा, एक जा का, अरे मेरी शील्ड के अंदर कैसे जा रहा भाई, इसके सस्ते ने से चल रहे क्या, पता नहीं भाई। इसको भाई इसका अल्टीमा ड्रैगन वापस दे देता हूँ भाई, ठीक है। अननोन गोरिल्ला नहीं रे बाबा, ये रहा अल्टीमा ड्रैगन, ये भाई उठा ले रे बाबा तेरा ड्रैगन, राज उठा ले वरना कोई और उठा के लेके चला जाएगा भाई। बंदे का साबुन मेरे को लग रहा है बंडी के साबुन से भी ज़्यादा स्लो है, ठीक है। ये पक्का कुछ ना कुछ कर रहा है भाई, भाई ये कितने टाइम में ऐसे स्पॉइल हो जाएगा, 29 मिनट भाई, ठीक है। तो भाई अपन अंदर सामान रखने जा रहे तब तक ये उठा लेगा क्या, पता नहीं भाई उठा लेगा कि नहीं, वहाँ पे भाई डाल के रख देता हूँ मैं। बाकी अपन अंदर जो है ना थोड़ा सा जो बॉस को मारने से सामान मिला था ना गाइस वो रख के आ जाते हैं, एंड जाके जो ना थोड़े से रिजरेक्टेड वाले भाई डायनोस है ना, जो डायनोस नहीं सॉरी बॉस है जो है ना, इनको टेम करना है मेरे को भाई, ठीक है। ओपन, इसके अंदर डाल दे ये फालतू चीज़,
फालतू चीज़ें सारी इसके अंदर भाई, ठीक है, फालतू सारी चीज़ें इसके अंदर। सोल ये ले भाई, सोल की ज़रूरत गई सबको अभी फिलहाल के लिए नहीं है, तो सोल में डाल देता हूँ। ये यहाँ पे डाल दे, ये यहाँ पे डाल दे। एलिमेंट तो भाई 7-7 हज़ार हो चुका है तेरे भाई के पास, 7-7 हज़ार एलिमेंट भाई, मजाक कर रहे हो क्या? ये लो भाई, जो भाई फालतू की चीज़ें जो मेरे किसी भी काम नहीं आएगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे अंदर जाएंगी भाई, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें। वो मिड बिड भी तो लेके आया था मैं भाई, ठीक है, रुक जाओ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालने थे, तो पिछले वाले बॉस फाइट से मिली थी हमको भाई, देख रहे हो, सारी चीज़ें पिछले वाली बॉस फाइट से मिली थी। ये सारी चीज़ें जो है ना कैसे अंदर डाल देता एकदम मस्त भी भाई, ठीक है। डायनो बिनो तो नहीं डाल रहा हूँ ना, शायद से नहीं डाल रहा हूँ यार, गलती से भी डायनो बिनो चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई, आर्मर बिरमर भी एकदम तगड़ा वाला डाल रखा है गाइस मैंने यहाँ पे, ठीक है। बाकी डायनो बिनो नहीं गया ना, नहीं कोई भी डायनो नहीं गया, मिड बिड गया कि कोई मिड बिड नहीं 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 गया, नहीं 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 गया गाइस, नहीं गया, नो प्रॉब्लम है। चलो गाइस, अभी रिजरेक्टेड वाले डायनोज को ना अपन टेम कर लेते, बाकी राज का जो है ना गाइस बताने फिर तो अलग ही सीन चल रहा, ये उठा नहीं रहा अपना डायनो। अरे कोई आके उठा के लेके चला जाएगा, अरे उठा लिया गाइस इसी ने, था तो यहीं पे डाला हुआ, अच्छा वो यहाँ पे था, थोड़ा आगे आ गया, मेरे को लग रहा है इसने अपना डायनो जो ना कैसे उठा लिया है भाई, ठीक है। लेकिन ये कुछ तो कर रहा है, उस रीज़न से रिप्लाई नहीं दे रहा। अरे भाई अपना डायनो उठा लिया ना, बताने भाई इसने डायनो उठाया कि नहीं, ठीक है, मेरे को बताने का इसने डायनो उठाया कि नहीं। अभी अपन फटाक से जो ना कहीं सिल्वर नाइट को बाहर निकाल लेते हैं, और अपन को जो ना कहीं 8 अलग अलग रिस्ट्रिक्टेड रिजरेक्टेड वाले डायनोज को टेम करके ला रहे हैं, 8 अलग अलग भाई, ठीक है। और उनके अंदर जो है ना गाइस अपन को अलग अलग जो है ना गाइस वो बॉडी पार्ट जो है ना गाइस वो देखने को मिलेंगे। ये क्या हुआ, वैसे टूंग टूंग करके कोई तो आवाज़ आया भाई, ठीक है। मतलब मैं अलग अलग बोर्ड जो है ना गाइस, किसी के अंदर आर्म बना सकता हूँ, किसी के अंदर लेग बना सकता हूँ, तो वो सारी बोर्ड जो है ना गाइस अलग अलग मैं बना सकता हूँ भाई, ठीक है। ये ले बेटा पट्ट से हेड शॉट भाई, ठीक है। ये ले बेटा पट्ट से हेड शॉट भाई, ठीक है, मत जाने लाइफ ना मेरे भाई। ये ले पट्ट से हेड शॉट भाई, यहाँ पे कोई बॉस बॉन हुआ है लग तो नहीं रहा भाई, कोई बॉस बॉन हुआ होगा बेटा। स्पेक्ट्रल फॉरेस्ट लिविंग द वर्ल्ड, अरे जाना भाई, लिव कर ले वर्ल्ड को, नो प्रॉब्लम हो। बाकी यहाँ पे एक भाई बॉस डाल रखा था वो अभी तक, अरे अभी तक नहीं होगा भाई, वो डिस्पॉन हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो क्या बोलती पब्लिक, डिस्पॉन हो गया होगा ना, या है अभी तक अंदर ही, देखता हूँ रुको, अंदर है क्या यहाँ पे। मैंने भाई पूछे भाई क्या 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 लाड़ में आ रहे हो, लाड़ में आ रहे हो तुम लोग। कुछ एपिसोड पहले जो मैंने बॉस डाला था ना गाइस, वो मेरे हिसाब से डिस्पॉन हो चुका है। और ये भाई किसका भाई वाइब्रेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है बता नहीं भाई। बाकी रिजरेक्टेड ब्रॉन्टो हो गए, ठीक है, रिजरेक्टेड ब्रॉन्टो एक करेंगे अपन, ठीक है। कितने लेवल का है, 600 के भाई, ठीक है, नजदीक चल। एरो मिस नहीं होनी चाहिए, मुश्किल से 8 एरो मिली है भाई, ठीक है। सो रिजरेक्टेड ब्रॉन्टो इस टेम भाई, ठीक है। चलो भाई ओके, सो इसको कर लो क्रायो, रिजरेक्टेड ब्रॉन्टो हो गया। अभी एक दो और रिजरेक्टेड, एक दो नहीं भाई, बहुत सारे और रिजरेक्टेड डायडोस टेम करने हैं। और रिजरेक्टेड थीरी है भाई, ओ थीरी तो वही है ना भाई जो हैरी ने मिस करा था, देखता हूँ मैं मिस करता हूँ या नहीं भाई रिजरेक्टेड थीरी को, ठीक है। अबे यार उंगली बाज कही के पट्ट से हेड शॉट भाई, थीरी का साइज वैसे मेरे को काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है, सो मिस करना मिस कर सकता हूँ शायद इसे या नहीं, या मिस हो जाएगा। अबे यार मैंने तो लोड कर लिया यार, बच गया भाई, मैंने लोड करके तान के रखा था भाई फुल्डो। रुक जाओ तेरी को भाई मुंह के पास आने दो भाई, ठीक है, हो गया टाइम, ठीक है। अपन मिस नहीं करता रे यारी की तरह भाई, ठीक है, तेरा भाई पीरो है भाई, ठीक है। चलो दो रिजरेक्टेड हो गए, बाकी भी रिजरेक्टेड यहीं पे मिलेंगे गाइस, ठीक है, टेंशन न को लेना। रुको वाली ग्रिफिन रिजरेक्टेड वाला है ना, उसको टेम करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसका मूवमेंट ना बहुत तगड़ा वाला होता है भाई। बाकी इसको मारूंगा तो भाई क्या होगा, एक और कोई रिजरेक्टेड स्पॉन हो जाएगा क्या, स्पेक्ट्रल हुआ है भाई, स्पेक्ट्रल स्पॉन हुआ है, स्पेक्ट्रल को मार रहे थे कौन होगा पता नहीं भाई। अरे स्पेक्ट्रल को मारना था भाई, डैमेज कम बड़ा लग रहा है स्पेक्ट्रल को शायद से। चलो स्पेक्ट्रल को मार रहे थे, कुछ हुआ स्पॉन ना गाइस, कोई नहीं हुआ। चलो गाइस रिजरेक्टेड डायनो जो ना गाइस और मेरे को ढूंढ लेने भाई, ठीक है, मेरे को खाली बोन्स के लिए चाहिए, मेरे को ना उनका डैमेज देखना है ना और कोई चीज़ देखनी है, मेरे को उनका कुछ भी नहीं देखना, मेरे को खाली बोन्स के लिए चाहिए गाइस, ठीक है। मैं जो ना डैडी को बनाना चाहता हूँ, और वो भी किसी भी कीमत पे गाइस। यहाँ पे तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, ये वाला एरिया जो ना रिजरेक्टेड डायनोस का एरिया है भाई, बट मैं कोई और रिजरेक्टेड डायनो ना यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ, देख इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई रिजरेक्टेड डायनो है ही नहीं गाइस, ठीक है, समझ रहे हो गाइस।
समझ रहे हो। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन भाई पहाड़ी के ऊपर चलते हैं, पहाड़ी के ऊपर कोई ना कोई मिल जाएगा। हुआ क्या भाई कोई स्पॉन अभी? थोड़ा सा राउंड मार के आया था मैं रेंडर के बाहर जाके। नहीं यार यहाँ पे तो अभी कोई भी नहीं हुआ। एक ही भाई अभी 4 बजता है भाई। सिंपल सी बात है, एक काम कर लो ट्रांसमीटर का यूज करके भाई यहाँ पे निकल लेते रिजरेक्टेड डायनोस ढूंढने के लिए भाई। ठीक है चलो आ जाओ भाई, अपन चलते गए इस घर पे, होम पे टीपी मार लेता हूँ एंड ट्रांसमीटर का यूज करके अपन मस्त दबेगे जो ना गाइस निकल लेंगे पहली फुर्सत में उनको टेम करने के लिए वहाँ पे भाई। ठीक है चलो आ जाओ, सिल्वर नाइट को भी लेके जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम हो। ओके गाइस डायनो रिजरेक्टेड ग्रिफिन, हाँ 4950 वाला छोड़ के भाई कहीं पे भी चलेगा। 2369 ओह यहाँ पे है भाई 2369। अबे यार ये काहे ग्लिच हो जाता कभी कभी भाई। हाँ राज देना ना यार, मेरा गेम लैग मारता। अच्छा चैट यहाँ पे मैसेज कर रहा था भाई, ये मेरे को दिखाई नहीं भाई। अच्छा इसने करा था मेरा, आई थिंक चैट ग्लिच हो गया था भाई। 2369 2369 ठीक है ये लो भाई 2369 हो गया। स्पाइनो कर लिया मैंने, और क्या कर लूँ भाई, और क्या कर लूँ। वाइब्रेंट है भाई रिजरेक्टर स्पेक्ट्रल नहीं भाई, रिजरेक्टर डोडो वाइब्रेंट भी नहीं चाहिए मेरे को, रिजरेक्टर स्पेक्ट्रल वाली डायनो नहीं चाहिए मेरे को भाई। ठीक है मेरे को नॉर्मल रिजरेक्टेड चाहिए भाई। ठीक है सो हम सिल्वर नाइट के ऊपर बैठ जाते हैं यार, निकल लेते यार यहाँ से एकदम मस्त बिके भाई। ठीक है अच्छा उसका गेम लैग मार रहा था भाई आज का, उस रीजन से दिक्कत हो रही थी। मुझे लगा भाई वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, मेरी चैट एक्चुअली में ग्लिच हो गई थी भाई। क्या बोले, मुझे लगा ये कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा भाई, मेरे को मैसेज ही नहीं दिख रहा था, वो मेरा मैसेज ग्लिच हो गया था भाई। यहाँ पे कहाँ पे जाना है मेरे को, 2369 भाई। ठीक है सो 2369 तो भाई पहाड़ी वाला एरिया है ना, क्विजल है दैट रिजरेक्टेड क्विजल भाई। ठीक है ये बंदे को टेम करते वक्त भाई एम मिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। सो मैं इसको अपने पीछे लगा देता हूँ, ठीक है पीछे लगा के मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को मारे। एम ड्रॉप, ऐसे नहीं ऐसे पीछे लगने दो उसको। अरे यार पीछे लग जा भाई, पीछे लग जा। हाँ नाइस अंदो। अबे यार कांड हो जाते गाइस, ऐसे कांड हो जाते। वैसे टिप्स एंड ट्रिक जो है ना गाइस कभी कभी वर्क करती है भाई। ठीक है रुक जाओ, एक मिनट रुक जाना गाइस। ओ भाई उड़ते डायनो को भी टेम कर लेता तेरा भाई। हाँ उड़ते एक मिनट रुक जाओ, उसके छाती में एरो लगी हुई थी। सो क्या मैं वो एरो कलेक्ट कर सकता हूँ टेम होने के बाद? ट्राई करना चाहिए ना गाइस, मैं कलेक्ट कर सकता हूँ मे बी। ये रहा ग्रिफिन, ग्रिफिन को बिल्कुल पता नहीं, आराम से आसमान में उड़ रहा है। सो मैं जाता हूँ और उसको पप्पी दे जब भी देखे आता। ओ वो कौन है भाई, कौन आ गया भाई। तेरे एरो कहाँ पे लगी है भाई बता, तेरे एरो कहाँ पे लगी है? अबे रुकना फॉलो कर ले मेरे को भाई, फॉलो कर जमीन पे आ जमीन पे आ अनफॉलो कर ले। रुक जा भाई, तेरे एरो कहाँ पे मारी थी मैंने? 3 एरो है टोटल। अब पिछवाड़े पे एरो लगे इसके। अबे यार रुकना भाई, वो एरो डिस्पॉन हो जाएंगे ना मेरे बबड़ी। रुक जाना भाई, छिली हुई मुर्गी लग रहा ना बाबा। एक काम कर लेना भाई, आप बस 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 अभी जमीन पे बैठ जा चुपचाप। पैसिव रे भाई पैसिव, तेरे को खाने की क्या भाई, चुल मची उसको भाई। चली गई, हो गई डिस्पॉन यार ग्रिफिन, तू ललित है भाई। मेरे को चेक करना था भाई, मेरे को एरो मिलती है कि नहीं यार वापस से रिटर्न में। क्या बोले भाई, क्या बोल सकते भाई। आ जा रे आप, तेरे को क्या सीन हो गया, इसका क्या सीन हो गया यार, कम ऑन आ जाओ। अरे आना फिर जाओ, इसको भी ग्राइव करना पड़ेगा लग रहा है। बाकी भाई हमारे पास 4 और एरोज है, 4 और रिजर्वेटेड डायनो हम टेम कर सकते हैं गाइस। चलो गाइस हम लोग बेस पे वापस आ चुके और मैं अभी जो है ना गाइस और रिजर्वेटेड डायनोस को ढूंढने जाने वाला हूँ। ग्रिफिन हो गया, रॉक ड्रेक नहीं हुआ ना शायद से, एंड ये भी 26 और हेलो कहाँ पे 2670 पे भाई मेरे को रॉक ड्रेक भी मिल रहा है भाई। अच्छा है चलो भाई, अच्छा है। राहुल भाई आपके बेस पे आना, राहुल भाई आपके बेस पे आना, आपसे कुछ बात करना है भाई। है मेरे से बात करना है भाई, आ जाओ तो मैं बेस पे ही तो आ जाओ ना ब्रो। रुक जाना भाई, रॉक ड्रेक ना गाइस, ये रहा भाई अपना रॉक ड्रेक रिजरेक्टेड वाला 26 एंड 70 भाई। ठीक है
चलो भाई ये हो गया 26 एंड 70 रेजरेक्टेड रॉक ड्रेक्स पाइनो स्पाइनो कर लिया डोडो वायरन थोड़ा मुश्किल है थ्योरी कर लिया क्विजल कर लिया ब्रॉन्टो कर लिया कार्नो ट्राइक बजाएगा इस गाले ठीक है। और ये रिजरेक्टेड गीगा बीगा भी होते हैं रे बाबा अरे बाबर यार अरे वाह ये रॉक ड्रेक को डेम कर लेता बाकी भाई ठीक है पहले रॉक ड्रेक को डेम कर लेता उसके बाद देख देगा इसके आगे क्या करना है भाई ठीक है। ऑलराइट रुक जाओ इसको भी बोलता भाई आ जाओ भाई ठीक है रुक जाओ आ जाओ आ जाओ भाई ठीक है चलो भाई लेट्स गो। अभी ना अपन फटाक से यहाँ पे अपना सिल्वर नाइट निकाल दे और रेजरेक्टेड जो है ना गाइस रॉक ड्रेक को मैं फटाक से टेम करके लेके आता भाई ठीक है लेट्स गो। ये कौन है भाई ये कौन है ये चल के आ रहा है इन लोग का। अच्छा यही है क्या जो फियर बियर कौन है इसमें भाई। हेलो राहुल भाई हेलो बोलो राहुल भाई कहाँ है बोलो राहुल भाई गिलिच ठीक कर दो यार थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये 50-50 वाला गिलिच दोबारा किसी ने 50-50 वाला मत अरे नहीं नहीं वो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा मैं देखता ये अभी आधे घंटे में कर दूंगा मैं। अरे नहीं वहाँ पे ना खाली एक ही बॉस स्पॉन हो रहा है जमीन के नीचे और वो एक बॉस और 17-18 बॉसेस को स्पॉन कर रहा है समझ रहे हो नहीं सारे पे हो रहा है ना ना 50-50 की बात कर रहे हो ना तुम कभी कभार ये जो एनपीसी वाला ये जो है ना हाँ हाँ वो वही ना वही जमीन के नीचे स्पॉन होता है और उसके ऊपर एक बॉस स्पॉन होता है और वो बॉस स्पॉन होने के बाद ना क्या करते हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं और जो अपने टेमेबल बीमेबल वाले होते हैं ना वो वहाँ पे स्पॉन होते हैं क्योंकि एक बॉस दो तीन बॉस मारने से एक हमको टेमेबल कोई ना कोई डायनो मिलता है सो वो टेमेबल वाले वहीं पे स्पॉन हो जाते हैं। वो बॉस फाइट अगर यहाँ पे भी तुम बॉस फाइट करोगे ना वैसे तो तुमको टेमेबल मिल जाएंगे लेकिन अपन क्या करते हैं बॉस फाइट के बीच में मारते रहते हैं ना तो बॉसेस के साथ साथ हमारे टेमेबल भी मर जाते हैं समझ रहे हो वो सीन होता है। मैं अभी जाके क्लियर कर देता आधे घंटे में टेंशन ना लेना वो ठीक है वो 50-50 वाला सब कुछ क्लियर कर देता मैं आधे घंटे में ठीक है। चलो भाई जी भाई 50-50 पे भाई बहुत ही ज़्यादा ना खतरनाक से भाई ये बॉसेज जो है ना कहीं जो स्पॉन हुए जा रहे हैं भाई उनका कुछ ना कुछ जो है ना कहीं इस गेम बजाना पड़ेगा बाकी वहाँ पे कैसे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे हिसाब से अभी वापस से जमीन के अंदर ना एक एनपीसी वाला बेच जो है ना कहीं तो स्पॉन हो चुका होगा भाई ठीक है और उस रीज़न से कहीं वहाँ पे वो काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है बाकी क्या है भाई ये वाला नहीं है भाई 26-70 पे जाना मेरे को 26-70 पे जाना भाई ठीक है 26-70 बोले तो इस तरफ मेरे को कहीं पे जाना और मेरे को वहाँ पे रॉक ड्रेक मिल जाएगा और इन डायनोस को जो है ना गाइस अपन यहाँ पे हाँ जी यहाँ पे कहीं पे रॉक ड्रेक है रुक जाओ रॉक ड्रेक यहाँ पे कहीं पे भाई ऊपर से वो दिखाई भी नहीं देगा यार इनविजिबल होता है यार फुल तो वो भाई तो फुल इनविजिबल होता ना भाई सिर्फ रॉक ड्रेक दिखेगा भी नहीं भेज गया कि है कहाँ पे अंदर तो नहीं स्पॉन हुआ ना कहीं पे पता नहीं यार भाई रुक जाओ मैं स्पार्कलर थोड़ा सा घुमा लेता हूँ 26-70 लेकिन लोकेशन बोल रहा भाई ठीक है सो 26 अपन अगर पकड़ के चले तो यहाँ पे कहीं पे गाइस एक रेजरेक्टेड वाला रॉक ड्रेक है जिसको ढूंढ के मेरे को डेम करना है। आवाज़ तो आ रही है ये रहा क्या अरे ये रहा इनविजिबल है इनविजिबल है पता नहीं सही लगेगा कि क्लोज जाता हूँ ले मिस हो गई दूसरी भी मिस अबे किडनी में हार्ट अटैक देगा क्या ये लगी है गाइस उसको एरो क्या ग्लिच है भाई ये अबे हेलो ये क्या फुट भाई तीन एरो वेस्ट हो गए मेरे तीन एरो और मेरे को कलेक्ट भी ना कर सकता भाई तेरे बाल तेरे मौकी तीन बार मौकी बहुत सोड़ा तीन एरो वेस्ट करा दी यार ग्लिच के कारण देख रहे हो हाय यार सच में भाई दिमाग का दही कर रहे भाई ये लोग अभी आज तो मेरे भाई तीन एरो भाई मजाक कर रहे हो कितना टाइम लगता है बताओ तीन एरो भाई ये करने के लिए ये लो इसको लग ही नहीं रहा ये देखना आपको लगेगा एम घटिया तीनों एरो लगी थी दो इसके खोपड़ी पे और एक इसके पूछ पे तीनों एरो लगी थी और भाई ये देखो ये कौन सा आसन करके बैठा है आराम कर निकल बाहर निकल बाहर निकल लग ही नहीं रहा यार इसको हट भाई
यार तीन आरो खत्म भाई। वो एक एक मिनट रुक जाओ, एक आरो मिल गई वापस। ए दो तो, एक 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 आरो वापस मिल गई क्या मेरे को? पता नहीं गाइस, एक आरो शायद वापस मिल गई क्या, पता नहीं गाइस। मैं देख लूंगा वीडियो को ना, जब एडिट करूंगा तब देखूंगा कि एक आरो मेरे को वापस मिली कि नहीं। भाई तू चमोने, वो तू उजड़ा चमोने, निकलना बाहर, निकलना। पूरे मैप पे यही अकेला है यार, बाकी सारे 50-50 पे ग्लिच में अटके हुए डायनोज। यार क्या बताओ भाई अभी आपको। अरे यार ये तो भाई पलाना नहीं होने वाला यार, छोड़ दो छोड़ दो भाई, ना होने वाला, ये ना होने वाला भाई। ऊपर से हमारे एरोज भी खत्म हो गई भाई, कम से कम दो या तीन एरो जो ना गए जो हमारी ग्लिच में निकल गई गाइस। हट यार, क्यों ऐसा हो रहा है गाइस? सारे ग्लिच दुनिया भर के ना तेरे भाई के साथ ही होते हैं सारे ग्लिच। क्या बोले भाई, क्या बोले। बाकी अभी हमें आपको रिजरेक्टेड सारे डायनो जो है ना गाइस वो दिखा देता हूँ कि अपने पास जो है ना गाइस रिजरेक्टेड जो है ना कौन कौन से डायनो है। रिजरेक्टेड रिजरेक्टेड रिक से रिजरेक्टेड, ये पता नहीं क्या है, ये रिजरेक्टेड क्विजल है ठीक है। बाकी ये रिजरेक्टेड स्पाइनो है भाई ठीक है, एंड ये रिजरेक्टेड ग्रिफिन एंड ये रिजरेक्टेड ब्रॉन्टो ठीक है। सो गाइस 6 टोटल डायनो आ चुके हैं, बाकी गीगा पिकास को टेम करना बाकी, वो अभी तक स्पॉन नहीं हुए हैं। ये रिजरेक्टेड रेक्स, ये रिजरेक्टेड स्पाइनो, दिस इज रिजरेक्टेड ग्रिफिन, दिस इज रिजरेक्टेड थेरी, दिस इज रिजरेक्टेड क्विजा एंड ये हमारा रिजरेक्टेड ब्रॉन्टो ठीक है। सो ये रही गाइस हमारे रिजरेक्टेड डायनोज की पूरी फौज भाई ठीक है, देख रहे हो। और इनके हर एक के अंदर ना अलग अलग तरह की जो हड्डियाँ है ना गाइस, वो हड्डियाँ बनेगी। इसके अंदर अलग हड्डी, इसके अंदर अलग हड्डी, इसके अंदर अलग 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 अलग, सबके अंदर अलग अलग हड्डियाँ बनेगी भाई ठीक है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हाँ, वैसे मेरे को और भाई रिजरेक्टेड डायनोज चेम करने पड़ेंगे, वो भी मैं करूंगा। बाकी आपको इनमें से कौन सा वाला सबसे ज्यादा ओपी डायनो लगा बताना गाइस ठीक है। ये देखो, ये हमारा रिजरेक्टेड वाला ब्रॉन्टो ठीक है, कौन सा वाला ओपी लगा ये बता देना खाली भाई ठीक है। ये हमारा क्विजल वा ठीक है, प्यारा प्यारा सा क्विजल वा भाई, जिसकी बस खाली हड्डियाँ है भाई, बेचारा सूख चुका है। बाकी भाई रिजरेक्टेड जो ना कि हमारा ये थ्योरी है भाई ठीक है, देखो ये हमारा रिजरेक्टेड वाला थ्योरी भाई ठीक है। उसके बाद ये हमारा ग्रिफिन प्यारा प्यारा सा, यार इसको मैं चला के देखूंगा स्वयं भाई ठीक है। उसके बाद एक स्पाइनो रेक्स तो आप देख ही चुके हो भाई। चलो अभी इनको क्राइव करके ना 50-50 वाला ग्लिच जो है ना गाइस वो हटा देता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम डायनो जो है ना स्पॉन हो रहे हैं भाई ठीक है। तो उस रीजन से दिक्कत हो रही है काफ़ी ज़्यादा भाई। ये ग्रिफिन है या क्या है भाई? ग्रिफिन को लग रहा है कि 10-12 दिन तक ना, नहीं 10-12 साल तक भूखा रखा है बेचारे का। विंग्स ना दिखाई दे रही, एक भाई सुगड़ी हड्डी दिखाई दे रही है खाली। यार व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? बाकी ग्रिफिन के रिजरेक्टेड वाले ग्रिफिन के पास ना कोई पावर्स नहीं होती है भाई ठीक है, ये बात याद रखना। इनके पास नो ना ही ना कोई इल्ले पावर होती है भाई, कोई भी पावर नहीं मिलेंगे आपको इसके पास। सो यहाँ पे ना अभी मैं रुक जाऊँ, सारा का सारा सेटअप वापस से लगा देता हूँ। अपन जो ना कैसे निकल लेते हैं भाई यहाँ पे थोड़े से ना, 50-50 वाला जो ग्लीच है ना कैसे वो ठीक करने के लिए, उसके लिए मेरे को भगवान मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहाँ पे ना मैक्सिमम करके काफ़ी सारे डायनोज जो ना वो स्पॉन होते रहते हैं, वो जो ना बॉस फाइट करते रहते हैं ना, बॉस फाइट वहाँ पे उंगली करते रहते तो स्पॉन होते रहते हैं भाई। 1.5 मिलियन का डैमेज है भाई ग्रिफिन का, भाई सुगड़े ग्रिफिन का 1.5 मिलियन का डैमेज जा रहा है भाई। बाकी ग्रिफिन नहीं लग रहा यार, ये क्या लग रहा है देखो तो भाई। ओए भाई शील्ड पे टकरा गया भाई, शील्ड पे टकरा गया, पानी के अंदर जा रहा, जा तो रहा है भाई। बड़े मेरे को ग्रिफिन नहीं लग रहा भाई, ये अजीबो ग्रिफिन, इसके विंग्स देखना ना गाइस। अबे यार सुकड़ू, अबे कितने सालों से खाना नहीं मिला तेरे को भाई, और लग रहा है भाई 3-4 सालों से बेचारा भूखा ही पड़ा हुआ है यार यहाँ पे। अले ले 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 ले, बेचारा हमारा रिजरेक्टेड ग्रिफिन यार, बेचारा भाई देख रहे हो भाई कितने सालों से भूखा है भाई, पता नहीं यार बेचारा। चला जाओ अभी 50-50 पे इसी को लेके चलता हूँ मैं भाई ठीक है। थोड़ी सी रस्ते में ना लेवल अप भी कर लूँगा मैं इसकी ठीक है। ये ले भाई, ये ले भाई एंड ये ले भाई ठीक है। चलो गाइस लेट्स गो मेरे भाई, बोले तो फुल टू द भाई। 50-50 कहाँ पे भाई? अच्छा 50-50 यहाँ पे गई पे ना, जब 50-50 में मेरे को पहुंचने दो। अच्छा 50-50 इधर है भाई, इधर है 50-50 वाला ग्लिच जो है ना जो हटा देता हूँ, बट वो ज़्यादा टाइम तक जो है ना कैसे हटे नहीं रहेगा, मतलब वहाँ पर जो है ना थोड़े टाइम में वापस से भेजे कोई ना कोई बेस बना लेगा और भाई वापस से गांड होना चालू हो जाएंगे उसी ने गाइज ठीक है। बाकी 50-50 कहाँ पे? अच्छा ये रहा ना, यहाँ पे जमीन के नीचे होते हैं ना सारे। रुक जाओ गाइज, मैं अभी भाई अपने भगवान मोड पे चला जाता हूँ एंड सबकी बैंड बजा के आता हूँ भाई ठीक है। रुक जाओ चिड़ जिसी हम ठीक है, अपन जा चुके भगवान मोड पे, भगवान की गन तुम्हारे भाई के पास आ चुकी है एंड अभी अपन जाएंगे घोस्ट मोड पे भाई ठीक है। अपन जाएंगे घोस्ट मोड पे। जय भद्रकाली। किधर हो रहे आराम कर लोगो,
जिंदा भाई हेलो भाई, जिंदगी भर के भाई लफड़ी तुमको यहीं पे। देखो मैं क्या बोला था, बहुत सारे बॉस, बहुत सारे बॉस, बहुत सारे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, गेम क्रैश हो गया ना तेरे भाई का। अरे क्रैश हो ही गया लग रहा है, हो गया लग रहा है। हम भाई यार हो गया लग रहा है क्रैश तो। जय पत्रकाली ग्रुप के मेम्बर पता नहीं यार भाई, गेम क्रैश हो गया ना मेरा तो बैंड बज जाएगी यार। पता नहीं यार किस किस को मारो भाई, पता नहीं कौन कौन डिस्ट्रॉय हो भी रहा है कि नहीं भाई। अभी कितने सारे स्पॉन होंगे भाई, मर जाओ भाई, मर जाओ, भेज दिया तुम लोग, मर जाओ सारे, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तुम्हारी, मर जाओ, हमारे गेम को कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है भाई, मर जाओ यार भाई। लैग तो तगड़ा वाला है भाई, लैग तो भाई बहुत तगड़ा वाला है यार, बहुत तगड़ा लैग है भाई, बहुत तगड़ा लैग है यार। अबे कितने सारे बॉस स्पॉन हो रहे हो भाई तुम लोग यहाँ पे, कितने बॉस स्पॉन हो रहे हो भाई, पूरे जिंदगी भर के बॉस के यहीं पे स्पॉन होके बैठे क्या? पता नहीं यार, मैं मारने की कोशिश तो कर रहा हूँ भाई, मर भी रहेगा इस कुछ बॉस। टाइटन गॉड भाई, टाइटन गॉड भी यहाँ पे स्पॉन हो गया भाई, मार तो रहा होगा इसमें भाई, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मात्रा में गई यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। मर नहीं रहा था कोई, व्हाट द हेल, यू आर नॉट डाइंग, यू दे आर नॉट डाइंग, व्हाट द हेल, मर नहीं रहे। हाँ मर गया अभी तो, अभी तो मर गए लग रहा है। वर्क कर रही है अपनी अपनी, मतलब ये लेट लेट वर्क कर रही है क्या? या वो तो एनपीसी बेस भी नहीं है इस बार तो, नेमेसिस बीमेसिस स्पॉन हुए भाई। मर जाओ भाई, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ भाई, नीचे से मारूंगा तुम्हारे भाई, नीचे से मारूंगा। आज ये इन लोगों के पेट नहीं है तो, इन लोग का पेट ही है ना भाई। हाँ भाई मर जाओ भाई, यार मर जाओ रे, अरे तुम मेरा गेम क्रैच करा के मानोगे क्या? अरे बाप रे, क्या है ये, क्या है, फाइटलेस बंद कर ले भाई, ये क्या है, कितने टाइम है वहां पे गाइस? बाप रे भाई, भाई भाई बाप रे भगवान, बहुत सारे बॉस है भाई, बहुत सारे डायनोस भी है यार, बहुत सारे यार। गाइस मेरे को एक और ट्रिक करनी पड़ेगी, यूज रुको, इससे काम नहीं चलेगा। मैं गाइस ये करना तो नहीं चाहता था, बट इन लोग ने मेरे पास कोई और चारा छोड़ा नहीं यार, छोड़ा नहीं गाइस। बाप रे भाई, डिस्ट्रॉय वाइल्ड डायनोस, बाका बेस गैग। चलो रे कल आना, कल आना, हो गया तुम्हारा कल्याण हो गया, चलो 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 बेटा जी, कल आना कल, ठीक है कल आना कल। हाँ क्यों क्यों, अभी और कौन बेटा बचा है, तू बचाएगा बेटा? डिस्ट्रॉय वाइल्ड डायनो, हर एक डायनो गायब, हर एक डायनो गायब। बाकी पेटियाँ किसकी है भाई? क्विज्जल विज्जल की भाई, ये पेटियों के ऊबर स्पॉन होते हैं भाई, बताया आपको लोग ना, पेटियों के ऊबर स्पॉन होते बेस गैग, और पेटियों में सामान भी भर भर के पड़ा हुआ होगा भाई, देखा जाए तो भाई। ये देखना रुक जाना भाई, देखो इनका एक्सेस इन्वेंटरी नहीं कर सकते क्या? नहीं शायद नहीं कर सकते, ये जो ना इन पेटियों के ऊपर स्पॉन हो जाते हैं डायरेक्टली गाइज, डायरेक्टली वाइल्ड डायनो भाई डिस्ट्रॉय मार दिए सारे के सारे। अरे यार हाँ भाई चली गई पेटियाँ, चली गई ये बॉसेस भी चले गए और सारे ग्लिच भी अट गए भाई। चलो ये भाई, ए भाई, ए भाई चीट घोस्ट भाई, मैं अंदर अटक गया मैंने गलती से जो ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चीट वॉक कर ले, चीट वॉक कर ले। चलो गाइज, और चीट गॉड मोड ऑफ, चलो गाइज डन भाई, ग्लिच हट चुका है गाइज। अभी भाई बाकी के जो भाई डायनोज है ना, वो सारे के सारे बड़े आराम से अपने मैप पे ना स्पॉन हो सकते हैं, अभी कोई ग्लिच नहीं रहेगा। अगर वापस ग्लिच हुआ ना तो डिस्ट्रॉय वाइल्ड डायनो ही करूंगा। इतने सारे बॉसेस, इतने सारे नेमेसिस भाई, नेमेसिस, इतने सारे नेमेसिस थे ना वहाँ पे, पूरा गेम क्रैश कर रहा था, मतलब पूरा गेम लैग कर रहा था, और मेरी एडमिन गन से ना कोई भी डायनो नहीं मर रहा था, कोई भी डायनो नहीं मर रहा था एडमिन गन से, एक भी बॉस नहीं मरा वहाँ पे मेरे एडमिन गन से भाई, पता नहीं कैसे, मरना तो चाहिए था बट मरा ही नहीं। इतने सारे डायनोस देना कि भाई क्या बोलूँ भाई, भाई किसी के ऊपर मेरा डैमेज पड़ा ही नहीं यार,
लेकिन कोई ना, चलो भाई सारे डायनोज को मैंने भाई एकदम फुल टू डिस्ट्रॉय कर दिया वाइल्ड वाले, अभी पूरा गेम रिसेट हो चुका है, ठीक है। मतलब पूरा वर्ल्ड के डायनोज जो है ना वो रिसेट हो चुके हैं, अभी नए नए डायनोज जो है ना स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। सो बाकी फिलहाल के लिए गाइस एक काम कर लेते हैं, आज का हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड जो है गाइस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का आर्क डू और डाई का वो ये पे खत्म कर लेते हैं। आज हमने काफी ज्यादा रिजरेक्टेड वाले जो डायनोज है उनको भाई टेम कराया और उनके अंदर हड्डियां बनाने का काम जो है ना गाइस वो अपन गाइस अगले एपिसोड से चालू करेंगे। और शायद देखिए यार दो एपिसोड में हम डैडी को बना लेंगे ना मेरे बाबड़ी। डैडी भाई तेरे भाई का ही है भाई, ठीक है। डैडी सबसे पहले तेरे भाई के पास ही आएगा और अपन पूरी कोशिश करेंगे कि अपन डैडी को जो ना कहीं जहाँ पे बना पाए। बाकी तो आज का जो एपिसोड है ना इसी के साथ देखे खत्म करते, मिलते सीधा अगले एपिसोड में। बाकी अगर आज का एपिसोड पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते अगले एपिसोड में, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा अगले एपिसोड में। You and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk.